मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम अलैकुम। कोरोना वायरस से मुकाबला जारी है और इस जंग में हमारे साथ साथ कई सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल शाना बशाना होकर लड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि समाज को जल्द से जल्द इस वबा, इस बीमारी से निजात दिला दें। नाज़रीन, ये हमारी भी कोशिश है कि हम मीडिया के ज़रिए, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो रेडियो हो या अखबारात हों, आप तक सही जानकारी पहुँचाते रहें। हम सब जानते हैं कि जो एलोपैथिक सिस्टम है, जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ होती हैं, हम ये देख रहे हैं कि वो लड़ रहे हैं, वो मेडिसिन्स दी जा रही हैं, वो डॉक्टर्स लड़ रहे हैं, या जिन्हें हम कोविड वॉरियर्स कह रहे हैं उन्हें वो खिताब भी मिला है, और उन दवाइयों से हमारे पेशेंट ठीक भी हो रहे हैं। हालांकि अभी भी इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, अभी भी ऐसे लोग हैं जो ज़ेर इलाज हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमने एक ऐसी कोशिश की है कि आपको बता दें कि ये जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ हैं, इनके साथ साथ इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है आज तक किसी भी बीमारी में, इनके साथ साथ एक और सिस्टम्स का एक अमलगम है जिसे हम इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन या ISM के नाम से जानते हैं, वो भी इस जंग में बराबर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। आयुष मंत्रालय के अंडर आने वाला ये ISM इस पैंडमिक में क्या कर रहा है, क्या कर चुका है और आगे की स्ट्रेटजी इनकी क्या है, इस पर बात करने के लिए हमने आज हमारे खास मेहमान को दावत दी है। पहले मैं उनका आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। वो हैं डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन गाजी, ये हैं डिविजनल नोडल ऑफिसर ISM COVID-19 कश्मीर। तो डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। बहुत खूब कि आपने वक्त निकाला और इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हुए। प्रोग्राम में हमारी कोशिश रहेगी कि अपने नाज़रीन तक कुछ ऐसी हाइलाइटिंग बातें हम लोग पहुंचाएं जिससे हमें ये क्लियर हो जाए कि अगर हम यूनिवर्सल प्रोटोकॉल के तहत देख रहे हैं कि इस वक्त जो है एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो एक जंग लड़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ उनके बिल्कुल पैरेलल कुछ और सिस्टम्स और कुछ और लोग भी हैं जो जूझ रहे हैं, वो है आपका ISM। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, ISM या आयुष डिपार्टमेंट का जो ही ये पैंडमिक ब्रेकआउट हुआ या अनाउंस हुआ कि पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में इस वक्त एक महामारी, एक वबा फैला हुआ है, देन उस वक्त आपका रोल, आपका पहला कदम क्या था? शुक्रिया। जैसे मैं पहले कहूँगा कि जो ही ये पैंडमिक ब्रेकआउट हुआ पूरे ग्लोब के अंदर जी, इट वॉज जस्ट ए शॉकिंग टाइप पूरे दुनिया को। तो उसके साथ साथ ही जब कश्मीर में भी पहला पेशेंट आ गया जो खान्यार का रहने वाला था, तो हमारे डिपार्टमेंट से एक ऑर्डर आया मुझे सबसे पहले कि मैं डिवीजन को थोड़ा बहुत देख लूँ इस कोविड के बारे में। और हमारा ऑफिस ओल्ड सेक्रेट में स्टार्ट हो गया जो कि अंडर द मॉनिटरिंग ऑफ डिविजनल कमिश्नर साहब हैं। इसके साथ साथ ही एक और ऑर्डर हमारे डायरेक्टर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन डॉक्टर मोहन सिंह जी ने भेजा कि हमारा जितना भी स्टाफ है, चाहे वो मेडिकल ऑफिसर्स हो, फार्मासिस्ट हो, वो डायरेक्टर हेल्थ के साथ कोऑर्डिनेट करके हर डिस्ट्रिक्ट में शाना बशाना काम करेंगे। मतलब पहले केस के साथ ही आपके लिए गाइडलाइंस आ गई कि आप अलर्ट हो जाइए, ड्यूटी पे लग जाइए और पैंडमिक में अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो शुरू करिए। एग्जैक्टली, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो देना ही देना है। एग्जैक्टली, वी बिलोंग टू मेडिकल डिपार्टमेंट आल्सो। तो इसके साथ साथ मेरे ऑफिस से ऑर्डर इशू हो गए जितने भी मेडिकल ऑफिसर्स हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर के निगरानी में रहते हैं जी। उन्होंने CMO के साथ कोऑर्डिनेट किया, पूरे स्टाफ को प्रोवाइड किया। पढ़ता है, खेलता है, झूलता, उछलता है, दौड़ता, कभी कभी दौड़ कर रहता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मम्मी की चुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। पढ़ता है, खेलता है, झूलता, उछलता है, दौड़ता, कभी कभी दौड़ कर रहा जिसमें अगर मुझे सही याद होगा तकरीबन 261 मेडिकल ऑफिसर्स पूरे कश्मीर डिवीजन के
205 फार्मासिस्ट थे जो हमने सीएमओ के साथ कोऑर्डिनेट करके पूरे मुख्तलिफ एरियाज में ड्यूटी में लगा दिए, जिसमें जैसे कि पहले पहले क्वारंटीन सेंटर्स जो है एस्टेब्लिश हुए थे एडमिनिस्ट्रेटिव, तो वहाँ पे हमारे लोग लगे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में लगे, और जो है सर्वेलेंस टीम्स हमने बनाए थे जो बिल्कुल सीएमओ के स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे थे। इसके साथ साथ हमने अपने डिपार्टमेंट की तरफ से हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दो दो डॉक्टर्स को जो है टेलीमेडिसिन जिसको हम बोलते हैं जी, वो ऑफिस में रहते थे, उनके फ़ोन नंबर्स पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल थ्रू डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से सर्कुलेट किए गए थे, ताकि लोग जो बाहर नहीं आ सकते थे घर बैठे टेलीमेडिसिन के थ्रू उन तक उनकी ट्रीटमेंट या उनकी कंसल्टेशन हो सके। एग्जैक्टली हाँ, ओके। और इसके साथ साथ जो डिविजन लेवल का कंट्रोल रूम डिवकॉम साहब ने इस्टेब्लिश किया ओल्ड सर्किट में, उसमें भी हमारे 10-15 डॉक्टर्स इस वक्त भी काम कर रहे हैं, वो अभी भी काम कर रहे हैं, चाहे वो रेड जोन है, चाहे वो दिस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है जी, या डेटा जो बनाते हैं उसमें भी हमारे लोग अभी काम करते हैं। तो ये ऐसे सिलसिला हमने शुरू कर दिया। ऐसे हमने एक कंट्रीब्यूशन शुरू करने की कोशिश डे वन से ही आपने शुरू किया। डॉक्टर साहब, ऐसा है ना कि जब हमने देखा कि ये बीमारी जब शुरू हुई, पहले तो ये एपिडेमिक कुछ कंट्रीज में रहा, उसके बाद यूनिवर्सल हो गया तो पैंडेमिक हुआ, तो कुछ रीजंस हैं जहां हम देखते हैं जो एलोपैथी होती है वो हाईलाइट हो जाती है, एलोपैथी का जो काम है, जो कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उसको हम रिसर्च बेस्ड मानते हैं या ट्रायल बेस्ड मानते हैं, जबकि हमारे जो सिस्टम हैं पूरे वर्ल्ड में, मैं कहूँगी जितने ऑल्टरनेट सिस्टम्स हैं उनमें थोड़ा सा अभी लोगों को लगता है कि कुछ कमियां हैं, इसलिए हाईलाइट हो जाता है एलोपैथी। लेकिन जब आपको इस पैंडेमिक में इन्वॉल्व किया गया, आपकी क्या गाइडलाइंस थी, मतलब आयुष मंत्रालय से आपके लिए एडवाइजरी क्या थी एग्जैक्टली, बिकॉज डेफिनेटली एलोपैथी का बेबी था एट दैट टाइम, एलोपैथी वॉज एब्सोल्युटली इन कंट्रोल ऑफ दिस क्राइसिस। बाकी लोगों से जो अलाइड सिस्टम से हेल्प जब लिया गया, आपके लिए एडवाइजरी क्या थी, व्हाट ऑल यू हैड टू टेक केयर ऑफ? इससे पहले कि मैं यूनियन आयुष मिनिस्ट्री के एडवाइजरीज आप तक पहुंचा दूं, जो ये पैंडेमिक हो गया उसके साथ साथ हमारे डॉक्टर्स उन जगह पे काम कर रहे थे जहां पर हम सोच भी नहीं सकते थे। जैसे अगर मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग या कुलगाम की बात करूँ या बांडीपुरा की बात करूँ, गुरेज की बात करूँ, टंगडार की बात करूँ, हमारे डॉक्टर्स बिल्कुल फ्रंट लाइन पे काम कर रहे थे। रात के 12 बजे मुझे फोटोग्राफ्स आते थे, मेरे मेडिकल ऑफिसर भेजते थे अभी हम जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में है। अभी ये हाईलाइट क्यों नहीं हुआ डॉक्टर साहब, क्योंकि आपको भी याद होगा जब शुरुआत में ये दौर चला ट्रीटमेंट का, हमने देखा अप्रैल मई के दौरान अच्छे खासे डिग्निट्रीज, अच्छे खासे मिनिस्टर्स भी बोल रहे थे कि अभी उस सिस्टम में मत जाना जहां पर ट्रायल्स नहीं है, अभी ये मेडिसिन मत ट्राई करना, मतलब दे वेर एडवाइजिंग अगेंस्ट। हमने देखा काफ़ी सारे ऐसी मेडिसिन थे यूनानी आयुर्वेदा में जो न्यूज़ में आए थे, लेकिन बताया गया, एडवाइजरीज आई कि नहीं इनको यूज़ मत करिए। तो जो आपका मैन पावर यूज़ हो रहा था, जो आपके बाकी एफर्ट्स थे, वो हाईलाइट क्यों नहीं हुए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हाईलाइट तो बहुत ज़बरदस्त हुआ। अच्छा, हमारी स्टेट में या पूरी कंट्री में? मेरा डायरेक्टोरेट, यूनियन आयुष मिनिस्ट्री, माइसेल्फ, वी आर सैटिस्फाइड जिस कदर ये हाईलाइट हुआ। आज तो खैर बहुत है, आज तो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल पैरेलल जा रहा है, जो आपके लिए रिव्यूज हैं, जो एलोपैथी के लिए रिव्यूज हैं, वो बिल्कुल पैरेलल। मैं कल ही देख रही थी, एट पार है इस वक्त आईएसएम का कॉन्ट्रीब्यूशन। देखिए, ऐसा स्टेज था, पूरे लोग पैनिक थे कि क्या करें, कैसे करें, सो वो प्रॉपर टाइम नहीं था कि कौन हाईलाइट होगा कौन हाईलाइट नहीं होगा। बस हमारे डिपार्टमेंट ने, हमारे डायरेक्टर साहब ने इंस्ट्रक्शन दे दी कि बिल्कुल काम करना है, इस पैंडेमिक को जो है इससे नजात दिलाना है लोगों को, उसके लिए कोई भी कोशिश करनी पड़ेगी वो हम कर लेंगे। तो उसके साथ साथ ही फौरन आई थिंक इन द मंथ ऑफ अप्रैल फर्स्ट वीक एक एडवाइजरी आई आयुष मिनिस्ट्री से, जिन्होंने कुछ मेडिसिन को नॉमिनेट किया जो एविडेंस बेस्ड है, इम्यून मॉड्यूलेटर्स, एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यून बूस्टर्स है, जिसमें खासकर मैं अगर बात करूं अश्वगंधा है, ग्लोई है, तुलसी है, बिल्कुल इन चीज़ों को हमने जो है बाद में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। डायरेक्टर साहब ने हमें मतलब बल्क क्वांटिटी में मेडिसिन हर डिस्ट्रिक्ट में पहुँचा दिए गए, यही बल्कि 16 मेडिसिन से इसमें जो सारे इम्यून मॉड्यूलेटर्स हैं। तो शुरुआत हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, जो एडवाइजरी आई थी आयुष मिनिस्ट्री से जी, क्योंकि ये देखा गया कि पहले पहले भी आपके नॉलेज में भी होगा कि जो है 85% लोग जो पॉपुलेशन ग्लोब की एसिम्प्टोमेटिक थी, मतलब उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, मतलब बिल्कुल दिस इज क्लियर कि जितना इम्यून सिस्टम ज्यादा, क्योंकि इम्यूनिटी एक ऐसा चीज है हर एक इंसान के अंदर है, बिल्कुल सही मौजूद होती है। अब इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स रहते हैं, जिनको अंडरलाइंग डिजीज रहते हैं, उनकी इम्यून सिस्टम थोड़ा बहुत कम रहता है बिकॉज ऑफ टेकिंग मेडिसिन एंड अदर थिंग्स, कीमोथेरेपी। तो ऐसे लोगों के लिए इम्यून सिस्टम को मेंटेन करना
नॉट ओनली बाय आवर मेडिसिन बल्कि और भी चीज़ें जो मैं आगे बताना बताएंगे बिल्कुल। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट शुरू कर दिया। पहले पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में लोग जाते थे जो पॉजिटिव पेशेंट हुआ करते थे पहले हमने उनको पहुंचा दिया। उसके साथ साथ एक और एडवाइजरी आई हमें डायरेक्टरेट से कि जो है फ्रंट लाइन वर्कर्स जिसमें हमारा स्टाफ भी था जिसमें एलोपैथिक डॉक्टर्स भी थे फार्मासिस्ट थे नर्सिंग ऑर्डरलीज थे म्यूनिसिपल वर्कर्स थे पुलिस पर्सनल थे सीआरपीएफ पर्सनल थे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि वो भी इक्वली इन्वॉल्व थे बिल्कुल। तो ये इम्यून बूस्टर मेडिसिन हमने उन तक पहुंचा दिए। ये तो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि एक सेकेंड स्टेज पे जब हमने देखा कि इम्यूनिटी बूस्टर्स की जरूरत है और डेफिनेटली वो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में तो अच्छे खासे भरे पड़े हुए हैं उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन व्हेन वी स्टार्टेड जब स्टार्ट हुआ कि ये क्या है सिम्टम्स हमने देखने शुरू किए क्वारंटीन शुरू हुआ लाइन ऑफ एक्शन शुरू हुआ कि कौन से ड्रग्स देने हैं ड्रग ऑफ चॉइस जो है उसको थोड़ा सा डिसाइड करने में भी कुछ वक्त लगा। तब तक आपका ऑब्जेक्टिव क्या था एज डिविजनल नोडल ऑफिसर जब तक आपको ये इम्यूनिटी बूस्टर्स पर बताया गया कि आप इस पर काम करिए इसको हाईलाइट करिए कश्मीर में व्हेन यू टुक योर दिस पोस्ट जब आपने ये अपना काम शुरू किया व्हाट वाज योर ऑब्जेक्टिव व्हाट डिड यू एक्चुअली लुक फॉर। एक्चुअली दो ऑब्जेक्टिव्स मेरे साथ साथ थे जी। एक तो हमारे डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन इन फुल हो और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट दैट वाज अवेयरनेस। एग्जैक्टली क्योंकि हमारे मेडिकल ऑफिसर्स जो फील्ड में थे उस वक्त पेंडेमिक के दौरान इस कश्मीर डिवीजन की अगर मैं बात करूं जहां वो जाते थे चाहे रात के 12 बजे थे चाहे दिन के 11 बजे थे जिसको भी वो मिलते थे चाहे वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में थे सर्वेलेंस में थे वो साथ साथ अवेयरनेस भी देते थे और साथ साथ हमारे डिपार्टमेंट के जो इम्यून बूस्टर मेडिसिन हैं उनके बारे में बताते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने इसीलिए आपसे ये सवाल पूछा। मतलब बिल्कुल अप्रैल के एंड महीने के बाद आपने ये शुरू किया। नहीं हमें फोन आना स्टार्ट हो गए। मैंने यहाँ भी दो तीन बार प्रोग्राम किए इसके बारे में वी हैव रिसीव्ड थाउजेंड्स ऑफ कॉल्स कि हमें बताइए ये जो अश्वगंधा है ये क्या है किससे काम आता है हमें चाहिए कहाँ मिलेगा और इसके साथ साथ इतनी मेडिसिन इतनी क्वांटिटी में हमें आई हमने डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंचा दिए जिसका मॉनिटरिंग डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट आईएसएम ऑफिसर करता था और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की। अब इसमें फर्स्ट फेज में फ्रंटलाइन वर्कर्स उसके बाद जो भी एजेंसीज इसमें काम करती थी जैसे मैंने कुछ डिपार्टमेंट्स का नाम भी बताया वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट की। उसके साथ साथ जो चेंजेस आते गए जैसे कि होम आइसोलेशन जैसे कि होम क्वारंटीन तो वहां तक भी हमने पहुंचा दिया। ऑन डिमांड भी हम दे देते थे और खुद भी हम पहुंचा देते थे मगर इस मेडिसिन को पहुंचाने के साथ साथ हम अवेयरनेस भी करते थे साथ साथ बिल्कुल। बल्कि हमने कई जगह अवेयरनेस बड़े पैमाने पे प्रोग्राम्स भी किए जिनमें हमारे डिप्टी कमिश्नर साहिबान भी शिरकत कर रहे थे मीडिया के जरिए आपके चैनल के वसादत से प्रिंट मीडिया के वसादत से हमने लोगों तक ये बात पहुंचाई कि एक इम्यून सिस्टम को जो है मेंटेन करना है और एक प्रोटोकॉल जो सेफ्टी गाइडलाइंस थी इस डिजीज को लेकर वो भी लोगों को समझानी पड़ी एक्चुअली कि क्यों करनी है। बिल्कुल हमारा ये कहना नहीं है कि हमारे इम्यून बूस्टर कोविड को ट्रीट कर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अलबत्ता इतना देखा गया इतना पाया गया कि जो इम्यून सिस्टम एक इंसान में है डिफेंस मैकेनिज्म जो हमारा है उसको ये स्ट्रॉन्ग करता है नॉट ओनली सार्स बल्कि मुख्तलिफ बीमारियां छोटी बड़ी बीमारियां हैं जैसे मैं मिसाल दे दूंगा अभी सीजन विंटर का आया है बिल्कुल तो आपको जुकाम हो गया है तो आपके घर में बोलते हैं भाई डॉक्टर के पास जाओ आप बोलते हैं नहीं दो तीन दिन देखते हैं कुछ घर में हो चलता है दौड़ता कभी कभी दौड़ कर रहता है आगे आगे बढ़ता है इंडिया अमूल दूध पीता है इंडिया। घर में बोलते हैं भाई डॉक्टर के पास जाओ आप बोलते हैं नहीं दो तीन दिन देखते हैं कुछ घर में होम रेमेडीज भी वो भी हमारे डिपार्टमेंट से ही पेटेंट करते हैं आते हैं तो तीसरे दिन आपका जुकाम चला जाता है हालांकि वो भी वायरस होता है ये भी वायरस है ये सार्स टू भी वायरस इसी खानदान से है दूसरी किस्म का है थोड़ा टेढ़ा है मगर जब जुकाम ठीक हो गया दैट मींस सम सिस्टम इज वर्किंग अगेंस्ट दीज वायरसेस और बैक्टीरिया। कुदरत ने जो कुवत हमको दी है वो लड़ रही है इस कुवत को मेंटेन करना है क्योंकि ये कुवत बहुत सारे लोगों में कमजोर भी होती है बिकॉज ऑफ अंडरलाइंग डिजीज कोमॉर्बिडिटी या ऐसे लोग जो बिल्कुल ज्यादा घर बैठते हैं खाते रहते हैं ओबीज है डायबिटिक है ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं
तो उन लोगों को उस कंफ्यूजन के दौरान, उस क्यास के दौरान हमने ये इम्यून बूस्टर उन तक पहुंचाए ताकि उनका इम्यून सिस्टम मजबूत रहे। ये जो आयुष का जो डिजिटल कंट्रोल रूम है, ये डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में कहां पर है, ये किस तरह से आपने सेटअप जो आपने किया, इसमें किन किन बातों का आपने ध्यान रखा? वॉक इन है इसमें या आप ही का स्टाफ, आप ही का मैन पावर वहां से मैनेज हो रहा है, आप ही के रोस्टर्स वहां से मतलब मैनेज हो रहे हैं, या आम लोगों के लिए भी वहां पे कुछ ऐसा है इन्फॉर्मेशन है? एक डिवकॉम साहब ने जो एक जो डिविजनल लेवल कंट्रोल रूम कायम किया वो ओल्ड सेक्रेट में है जी। उसमें हमारा डिविजन आईएसएम का भी काम करता है, उसमें एलोपैथिक का भी काम करता है, बल्कि मैं ये भी कहूँ इस वक्त भी रेड जोन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग या डेटा बेस जो काम करते हैं उसमें हमारे तकरीबन 10-15 डॉक्टर इस वक्त भी काम करते हैं, एक दो फार्मेसी भी काम करते हैं, तो वहाँ पे इंचार्ज भी हमें जो इसका लुक आफ्टर करते हैं, और डे टू डे शाम को जितना भी हमने इम्यून डिस्ट्रीब्यूटर या अवेयरनेस किए वो हम शाम तक उसका डेटा पहुँचा देते हैं और वो मीडिया बुलेटिन में भी उसके जो है फिगर्स आ जाते हैं। तो ओवरऑल जितना आपका स्टाफ है सारा ही इस वक्त इसी में इन्वॉल्व है, आपका जो रेगुलर अपना काम है, जो आपके रेगुलर हॉस्पिटल्स हैं या हेल्थ सेंटर्स हैं, वहाँ पर थोड़ा सा काम तो कॉम्प्रोमाइज होगा बिकॉज ऑफ कोविड? पहले पहले मैं पूरा स्टाफ पूरे कश्मीर प्रोविंस का सारा इन्वॉल्व था, क्लास फोर्थ से लेके मेडिकल ऑफिसर तक सारे पैंडेमिक के साथ इन्वॉल्व थे, मुख्तलिफ तरीके, कोई इम्यून बूस्टर मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करता था, कोई अवेयरनेस के साथ, कोई टेली मेडिसिन के साथ, कोई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के साथ ये काम करता था। जो ही प्रोटोकॉल गाइडलाइंस चेंज होते गए तो हमारे मेडिकल ऑफिसर भी अब अपने जो है आईएसएम इंस्टीट्यूशंस पे वापस आने लगे, स्ट्रीमलाइन हो गया है नॉर्मल काम। उसके साथ साथ चूंकि लॉकडाउन था जी, लॉकडाउन में लोग बाहर नहीं आ सकते थे, अब जो किसी भी एरिया में उसके नज़दीक जो आईएसएम का हॉस्पिटल पड़ता था वहाँ पे हमने ये मेडिसिन पहुँचा दिए और हमने मेडिकल ऑफिसर को डायरेक्शन दे दी कि आप वापस ज्वाइन कर लो, और बहुत सारे लोग अभी भी कोविड के साथ बाहर फील्ड में काम करते हैं। ये मेडिसिन डॉक्टर साहब फ्री मिल रही हैं, जो इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं ये फ्री मिल रही हैं बेनिफिशियरीज़ को? फ्री ऑफ कॉस्ट, जितना जिसको चाहे वो ले सकता है। अच्छा, और हर डिस्ट्रिक्ट में बल्क क्वान्टिटी में हमारे डायरेक्टर साहब ने रखे हैं ये मेडिसिन पूरे बिल्कुल। या अगर मैं गुरेज की बात करूं, परसों हम गए थे, गुरेज डायरेक्टर साहब भी थे, वहाँ पे हमने एक कैंप भी किया, वहाँ पर भी हमने इम्यून बूस्टर मेडिसिन, चूंकि उसका रास्ता बंद हो जाता है बाद में, तकरीबन 6 महीने का कोटा हमने रखा हुआ है। एक्सेलेंट, तो रिस्पांस लोग ले रहे हैं, लोग यूज कर रहे हैं, और आपको रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, लोगों को बेनिफिट मिल रहा है इस चीज़ से, बहुत जबरदस्त रिस्पांस। और यही चीजें हमें केमिस्ट की शॉप से ओवर द काउंटर भी मिल सकती हैं अगर हमें जरूरत पड़ती है, जितने भी जो है होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक के शॉप्स हैं उनपे मिल जाते हैं, बल्कि मैंने कई एलोपैथिक मेडिकल शॉप्स पे भी ऐसी कुछ दवाइयां देखी, यहाँ तक कि जनरल स्टोर में भी मैं कुछ चीज ले रहा था तो वहां पर भी मैंने अश्वगंधा वगैरह देखा। तो यानी हम पीपल आर डिमांडिंग, डिमांड तो नाज़रीन से हम ये कह सकते हैं कि इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रांग करने के लिए, डॉक्टर साहब की कंसल्टेशन के बाद अगर आपने किसी भी ऐसे आयुष सेंटर से कोई ऐसा प्रोडक्ट लिया है, यूज किया है, उससे आपको फायदा मिला है, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं और अपने घर के बाकी लोगों में, बल्कि सब लोगों में आप उसको जिस तरह से बताया जाता है उस तरह की डोजेज में आप इसको ले सकते हैं और इंशाल्लाह इससे फायदा ही होगा। डॉक्टर साहब एक बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि पोस्ट कोविड फटीग हम देख रहे हैं लोगों में, एक लापरवाही वाली अप्रोच आ गई है, आज हम देख रहे हैं कि मास्क नहीं है, लोग जैसे थक गए हैं कि बस अब जो है बस यही है, जो होना होगा देखा जाएगा, ऐसी सूरत हाल में आप आयुष के एक रिप्रेजेंटेटिव के नाते क्या कहेंगे कि क्या आप प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि एक ऐसी सूरत हाल में आज है कि अभी भी लोगों को मदद की जरूरत है और आने वाले दिनों में शायद ज्यादा होगी, क्योंकि लोग लापरवाही बरत रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लोग उतना प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं जितना शायद लेना चाहिए था, उसके लिए आपका क्या प्रिपेयर्डनेस है? देखिए यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा, जितना हेल्थ वर्कर्स ने, आईएसएम वर्कर्स ने, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जितना काम किया इसके बारे में अवेयरनेस किया, मुझे नहीं लगता जो आजकल हालात है लोग बगैर मास्क के, बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के इतनी लापरवाही से चल रहे हैं, नहीं होना चाहिए था। डिपेंड करता है लोगों के ऊपर ही, क्योंकि गवर्नमेंट एजेंसीज काम में लगे हुए हैं इस कोविड को कंट्रोल करने में। मेरा ये मानना है कि हर एक को चाहिए कि जो है ये सच है पोस्ट कोविड फटीग, ये बिहेवियरल फटीग ये आया हुआ है, नॉट ओनली इन कश्मीर को देखने को मिल रहा है बल्कि बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ कुछ ये भी कहना चाहूंगा कि अब जो रोज दिन में कमाता है शाम को खाता है उसको बाहर निकलना है, बहुत जरूरी है, मगर ये चीज मैं मैसेज देना चाहूंगा लोगों को कि ये बिल्कुल लाजमी है कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन इसको मेंटेन करना है, बाहर आ सकते हैं,
गैदरिंग में नहीं जाना है, ये तो करना लाजमी है, अदरवाइज ये बिल्कुल फिर बढ़ भी सकता है। जैसे हमने देखा सेकंड वेव में अभी भी खतरा है कि इन्फेक्शन बढ़ सकता है, क्योंकि अभी बाहर नहीं आया हम इस कोविड से, और अभी एज सच कोई ट्रीटमेंट या वैक्सीन सारे ट्रायल्स पे है अभी नहीं हुआ है। इसलिए लोगों को चाहिए कि बिल्कुल एहतियात बरतें, जो जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से, उनका फॉलो करें, क्योंकि इसका स्प्रेड बहुत ज्यादा देखा गया है, बहुत ज्यादा। ये स्प्रेड को रोकने के लिए इन तीन चार चीजों का करना बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ऐसे भी ये पेरेंट्स का भी उनके ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है, कि मैंने छोटे बच्चे भी देखे कहीं, अभी मैं आ रहा था लाल चौक से, छोटे छोटे बच्चे मैंने देखे पेरेंट्स के साथ बगैर मास्क के, उनके पेरेंट्स भी। अफसोस की बात है ये, क्योंकि इतनी मेहनत की हमने पिछले 8 महीने से, हम पूरे एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी यूटी गवर्नमेंट, हम लोग सारे बिल्कुल खड़े 24 घंटे काम करते हैं, मगर लोगों को चाहिए कि इन गाइडलाइंस का पालन करें, फॉलो करें, ताकि हम बहुत जल्दी इस मुसीबत से बाहर आ जाए। डॉक्टर साहब, चूंकि एक्टिवली इन्वॉल्व हैं आप इस चीज़ में, पूरा टीम आपके साथ है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम कई दिनों से, कई हफ्तों से देख रहे हैं, अगर हम अपने जम्मू कश्मीर की बात करें, क्या ये जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की तादाद आजकल कम आ रही है, ये वाकई में कम हो रहा है या टेस्टिंग कम हो रही है? क्योंकि बड़ा कॉन्ट्रडिक्ट पड़ता है, खेलता है, झूलता, उछलता है, दौड़ता, कभी कभी दौड़ कर रहता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटिया। किचन में तीन चार चीजें पाएंगे, जैसे हमारे किचन में मसाला जात बाकी चीजें होती हैं, वहां पे आप उन चीजों से अलग आप अश्वगंधा देखेंगे, आप तुलसी देखेंगे, आप ग्लोई देखेंगे, आप दालचीनी देखेंगे, और ये काढ़ा, ये वहां पे रूटीन है जी, बिल्कुल। कंसेप्ट बहुत अच्छा है उनका। अच्छा। क्योंकि हम बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं सपोर्ट मेडिसिन। मैंने पहले भी बताया आपको कि हम नहीं कह रहे कि कोई ट्रीटमेंट है कोविड का। जैसे सपोर्टिव मेडिसिन की अगर हम बात करें, जैसे खांसी, अभी सीजन सर्दियों का आ गया, अगर किसी को जुकाम हुआ, खांसी हुआ, गले की खराश हो गई, तो हमें पता नहीं चलेगा ये कोविड है या नॉर्मल फ्लू है, सीधा सा जुकाम है। बिल्कुल सही। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए ये चीजें अगर हम घर में रखें, ये किचन, ये होम रेमेडीज है, ये हमारा ट्रेडिशनल बहुत हजार सालों से है, ऑथेंटिक चीजें हैं ये, हर्ब्स एंड स्पाइसेस, ये ऑथेंटिक है। बिल्कुल। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आप अगर किसी को जुकाम होता है, गले में खराश होती है जी, पहली बात तो ये है कि ये इंसान पैनिक हो जाता है, अब क्या होगा। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि आप काढ़ा बनाइए, जिसमें दालचीनी डाल देंगे आप, सिपस्टान डालेंगे आप, थोड़ा सा ये काली मिर्ची डाल दीजिए आप जी। ये सब मिला के काढ़ा बनाइए, आप ले लीजिए, आपको मेरी गारंटी है कि आपको शाम तक फर्क होगा। अच्छा, मतलब ये जो हम अदरक, काली मिर्च, गिलोई, ये चीजें जो आज हम यूज कर रहे हैं, कम से कम इससे ये भी तो पता चलेगा, चलो कोविड नहीं था, ये रूटीन फ्लू था, रूटीन जुकाम था, वो ठीक हो गया। बिल्कुल सही। क्योंकि शुरुआत में जब लोगों ने काढ़ा लेना शुरू किया तो बोलने लगे यार अब तो काढ़ा पी पी के एकदम गला भी जलने लगा है, लेकिन जो जो स्टडीज होती गई और लोग सामने आते गए तो देखा गया कि काफी सारे लोगों को इससे काफी फायदा भी हुआ है, और हमारे कश्मीर के लिए शायद ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले मौसम में हमें इस चीज पे तो ध्यान रखना है कि हमारे जो नॉर्मल कोल्ड एंड कफ होता है आने वाले मौसम में, कहीं वो हमें इस बीमारी का शिकार ना बना दे, या कहीं वो हमें साइकोलॉजिकली डिप्रेस ना कर दे कि हम शायद बीमार हैं। आने वाले विंटर के लिए डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक कमरे में सब बैठे हैं, वेंटिलेशन बहुत कम है, लोग बहुत सेल्फ मेडिकेशन भी करते हैं, आपका जनरल मासेस को क्या मैसेज होगा? देखिए, मेरी तरफ से लोगों को ये मैसेज होगा, चूंकि अब विंटर का सीजन आ रहा है, जाहिर सी बात है जुकाम खांसी तो अब चलेगी ही इसके साथ, तो जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया, आपने भी बताया, एक काढ़ा, कुछ कहवा जिसको हम बोलते हैं, उसका सामान पूरा घर में रखें, जैसे दालचीनी है, शंगर है, सिपिस्तान है, अदरक है, ये सारा घर में रखें, कोई हैजर्ड नहीं है, कोई मुजर नहीं है पीने के लिए, ये जो रॉ हमें बाजार से मिलता है उसी को हम यूज करें जी, मिलता है ये, मिक्सड रहता है ये, एक पैकेट में किसी भी होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक दुकान से मिल सकता है। अच्छा। रोज पी सकता है, कोई हैजर्डस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, और उसे ये भी फायदा होगा कि जो इतने भी ऐसे भी सिम्टम्स होंगे जो कोल्ड सीजन के साथ साथ होते हैं, वो इनसे
फायदा ले सकते हैं। तो जो हमारे घरों में जैसे कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है, डायबिटिक्स है, उनके लिए कोई नुकसान नहीं है कि अगर हम उन्हें कोई ये नुकसान नहीं है एक्सेप्ट दोज जो डायबिटिक हो, इसलिए कि उसमें शुगर डालने की कोई जरूरत नहीं है, बगैर शुगर वो काढ़ा ले। और यही चीज हम बच्चों को भी दे सकते हैं। इसको मैं बताऊं आपको काढ़ा की, मैं यहाँ पे इस बारे में डिस्कस नहीं करूंगा कि कितनी डिमांड थी, कहाँ कहाँ से, किस किस कॉर्नर से, किस किस लेवल से हमें डिमांड आती थी। मैं खुद भी कई बार कई जगहों पे गया जिनको मैंने ये पहुंचाया ये काढ़ा खासकर, और इन रिस्पॉन्स वापस फोन आते थे ऐसे लेवल के लोग कि हमें बहुत रिलीफ मिला। बहुत बढ़िया। ये तो हुआ कि जो हमारे किचन में हमें मिलता है जो दस्तियाब है। दूसरा आपने ये बोला कि जो आपके आयु सेंटर्स पे मिलता है इम्यूनिटी बूस्टर्स या इन्हांसर्स जो मिलते हैं, तो नाज़रीन आप जाएं और फ़ायदा उठाएं और उन चीज़ों को इस्तेमाल करें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की खुराक में, डेफिनेटली फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके तो डेफिनेटली अच्छा लगा, क्योंकि जब भी आईएसएम की बात चलती है तो हमें लगता है कि एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ा है, जो हमारे किचन से जुड़ा है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा है। तो आज आपने कुछ खास बातों पर रोशनी डाली, उसमें खास यही था कि जो स्पाइसेस एंड हर्ब्स हैं वो डेफिनेटली हमारे लिए सेफ हैं, ऑथेंटिकेटेड हैं, प्रूवन हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मौका मिला, वक्त मिला तो आपको फिर एक बार दावत देंगे और मज़ीद आपसे गुफ्तगु करेंगे। तब तक हम यही कहेंगे कि अल्लाह आपको आपके इस मिशन में कामयाब करे और इस हमारे इस कौम को, हमारे इस मुल्क को, इस पूरी दुनिया को इस बीमारी से निजात दिला दें। तो नाज़रीन आज के लिए तो हम आपसे लेंगे इजाज़त, लेकिन यही कहेंगे कि अपने हाथों को साफ रखिए और चेस्ट की छोटी छोटी बीमारियों को फौरन दूर करिए, उसका इलाज करिए डॉक्टर से मिलकर। और सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि मास्क को पहनिए और फिजिकल डिस्टेंस को बनाए रखिए। साथ ही अच्छी नींद, अच्छी खुराक और एक रिलैक्स्ड माइंड जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। सुकून जहन में हो तो जिस्म में भी वो दिख ही जाता है। आज के लिए बस इतना ही, मुलाकात अगले हफ्ते फिर होगी। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।